संसार जगत में गुरु महिमा ए अपार, गुरु महिमा ए अपार, जगत में गुरु महिमा ए अपार, गुरु महिमा ए अपार, जगत में गुरु महिमा ए अपार। गुरु कृपा से कितने ही तरे गए, गुरु कृपा से कितने ही तरे गए, हो गए भव से पार, जगत में गुरु महिमा में अपार, हो गए भव से पार, जगत में गुरु महिमा में अपार, गुरु महिमा में अपार, जगत में गुरु महिमा ने अपार। जय गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी यमा ही दरस को तरस रहा, मेरी तड़प उठी यमा ही दरस को तरस रहा, बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहा, सूरत बीजे अमीर सिदार तन मन होए हरा, सूरत बीजे अमीर सिदार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुन गाऊं सदा, जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अहम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया, विनती सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता
प्यारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मैं हर कर दीजे जरा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का सर्वप्रथम आरामी पुरुष परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता और उस अनामी महापुरुष से आप सबके कल्याण के लिए गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी सूरत जो प्रभु का अंश है और आपके इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में यानी जिस्मानी मस्जिद में आपके आज्ञा चक्र पर निवास करती है प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा ये बहुत बड़ा पर्व है, आप जानते नहीं हो, कोई भी होली दिवाली नवरात्र शिवरात्र किसी भी दिन से गणपति ये सब दिन से आज ये बहुत बड़ा पर्व है। ये पर्व क्या है, गुरु कौन है, अगर मुझसे पूछोगे जो मैं बताता हूँ वही बताऊंगा। गुरु सिर्फ एक, गुरु सिर्फ एक। गुरु कौन है, जो आपके लिए, जो आपका मूल नीचे 10वीं गली पर आके पैर रख दे, वो मालिक वही गुरु। तो गुरु एक ही होता है, दूसरा गुरु कोई न हुआ ना होता। अगर ये गुरु न होता तो आप चलायमान न होते, आप गतिशील न होते। ये गुरु की दया है, गुरु की मेहर है, इससे आप इस जगत में गतिशील हो। इसी को दुनिया गुरुत्व का गुरुत्वाकर्षण कहती, यानी गुरु का आकर्षण कहती। अगर गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप ऐसे बहुतों को थोड़ा बहुत बोध हो गया, लेकिन जिसको गुरु नहीं मिला या गुरु का परिचय नहीं हुआ उसका जीवन तो निरर्थक है। आप सब कहते हो कि दया दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। देखो उसकी दया तो हो रही, कोई बतलाओ। देखो उसकी दया तो हो रही हर क्षण हर पल। वो नादान है जो कहते हैं, जिनको कहना पड़ता है कि दया कर दीजिए। आप नीचे उतारे गए, उसकी नज़र आपके ऊपर है, वो दे लेता है और आपके लिए ही वो हमेशा रहता है। उसकी दया हो रही, जैसे बाहर ये बारिश हो रही तो ये पात्र रख दो ऐसे। ये पात्र ये देखो ये रहेगा तो अपने आप बारिश की बूंदें, उस कृपा की मेहर की बूंदें इसके भीतर जाएंगी। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो
तो कितनी घनघोर बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पात्र में एक बूंद भी नहीं जाएगी। इसको हजारों साल ऐसे रख दो, लाखों साल रख दो, लेकिन अगर तुमने अपना पैमाना बदल दिया और अपने भीतर विराजमान विद्यमान उस गुरु को पहचान लिया, उसकी मौज को, दया को, मेहर को, तो ये अभी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा। बार बहुत अच्छी बारिश हो रही, जमाजम तो आपके ऊपर भी उस गुरु की बहुत दया और बहुत मेहर। तो कल आपको मैंने बताया कि गुरु यानी वो जिसकी बदौलत आप हो, जिसके कारण आपका होना है। तो गुरु महाराज को या सदगुरु को कोई साधारण बाबा या साधु समझ करके उनसे अर्थहीन संसारिक बातें, वो वस्तुओं की चर्चा और अनावश्यक बकबक जो लोग करते हैं, वो बेचारे बड़े नादान हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो अपने जीवन में उस गुरु के, सदगुरु के पवित्र सानिध्य का अनमोल क्षण कौड़ियों के भाव बर्बाद कर रहे हैं। वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे। अंतर में जब उतरेंगे, जब आप उतरोगे, तब आप पाओगे कि उसकी दया तो अपार दया, उसकी बहुत बड़ी दया हर क्षण। नहीं तो वो बार बार दें बदल करके आपके साथ इस धूल मिट्टी में क्या करता। तो गुरु उपजाऊ मिट्टी की मानद है, उसमें जो भी रोपोगे, जो भी बोगे, हजारों गुना पाओगे। अब बीज तो तुम्हें बोना है, तो मोक्ष चाहिए, अपने घर जाना है, इस जीवन मरण के आवागमन के चक्कर से निर्मुक्त होना है, तो समर्पण, समर्पण पूरी श्रद्धा से, ये भक्ति। आनंद चाहिए तो प्रेम दो, दैहिक सुख चाहिए तो देह से सेवा करो, बौद्धिक लाभ चाहिए तो बौद्धिक सेवा करो, बौद्धिक बीज बो, बौद्धिक समृद्धि चाहिए तो स्थूल धन का बीज रोप दो। जो सेवा अर्पित करोगे, जो बीज बोगे, वही पाओगे। बिना बीज रोपे, बिना बीज बोए खाली खेत को निहारोगे, तो पूरा जीवन यूं ही बीत जाएगा। तो सदगुरु की जब उसके करीब आओगे, तो उसे पहचानोगे कैसे, तो अंतर्दृष्टि से। सदगुरु की पहचान, कल आप लोगों से बात हो रही थी लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई, कि उसकी पहचान ही वही है कि जब उसकी आंख में तुम झांकोगे, देखोगे, तो तुमको विश्वास हो जाएगा, तुमको यकीन हो जाएगा, एक तृप्ति हो जाएगी। गुरु को बाहरी कपड़ों से, बाहरी वस्त्रों से, बाहरी रूप रंग से, उसकी बोलचाल से अगर आंकते हो तो ये गलत पैमाना है। उसको, उसको आंखों में निहारो और फिर आंखों को बंद कर लो। कल आपको बताया कि जैसे सेफ में, किसी अलमारी में या तिजोरी में आप अपने गहने बंद कर लेते हो, दौलत बंद कर लेते हो, तो बस आंखों को बंद कर लो और अपने अंदर सुमरन ध्यान और भजन में उतर जाओ। तो बंद आंखों में अंतर्दृष्टि जहां पर, यानी कि ये देखो, दोनों आंखों के बीच में आपकी सूरत, आपकी रूह बैठी हुई,
तो यहां सरगोशी होने लगेगी और तुम्हारे भीतर तुम्हें इत्मीनान होने लगेगा कि हाँ बस अब मुकाम आ गया, अब मिलने की राह निकल पड़ी। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देता हूं, तुम्हें लेना नहीं आता। तो गुरु कहता है कि चल आज मैं तुझे अपने घर लौटने का, अपने निजधाम जाने का, खुद को जानने का और मुझे पाने का सलीका बताता। तू अपना हाथ मेरे हाथों में दे दे और बस चल पड़। हाथ में हाथ देना जरूरी है, आंख में आंख देना नितांत आवश्यक है। कल आपसे आपको बताया कि गुरु की दोस्ती बड़ी खतरनाक सौदा है। दुनिया की नज़र से देखे तो ये बहुत खतरनाक सौदा, बड़ा जोखिम है इसमें। कबीर साहब ने कहा कि जो घर बारे आप ना, वो चले हमारे साथ। जो देखा ही नहीं उस अनजान रास्तों पे वो तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम भूल गए कि तुम कौन हो, तुम्हें अपना कोई परिचय याद नहीं, जन्म हुआ जन्म के पहले की कोई घटना तुम्हें याद नहीं। तो ये तो बड़ी गफलत हो गई, बड़ी गफलत। अगर तुम उस प्रभु का अंश हो तो छोटे मोटे प्रभु तो तुम भी हो गए, लेकिन तुम्हारी ये दुर्गति क्यों है? क्योंकि तुम खुद को भूल चुके। तो गुरु कहता है कि चल अपनी आंखों में आंख दे दे, हाथों में हाथ दे दे और चल। लेकिन ये अंतकरण, अंतकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतकरण कहता है यानी ये जो अंदर बैठा है, ये जो अंदर, ये तो अंधा है। अंतकरण वो कहता है कि ये कहां तू जा रहा। तो सच है कि प्रेम तो अंधा है, श्रद्धा तो अंधी है, भक्ति तो अंधी है और इस अंधे के पास ही आंख है। तो ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये मिलकर के संदेह पैदा करते हैं और तुमको वरगलाते हैं। वो ये समझाते हैं ये तुम नीचे गिर जाओगे, फंस जाओगे। और मजे की बात ये है कि उल्टा अंतकरण ही तुम्हें नीचे ढकेले जा रहा, तुम्हें फंसाया जा रहा। तुमने अंतकरण के द्वारा अपनी रस्सी, अपने नाव की रस्सी निचले जगत में बांध दी और तुम फंस गए। अनंतों जन्मों से तुम नीचे गिरे, जब से तुम उतारे गए इस जगत में तब से तुम यहीं पर, यहीं पड़े रह गए। जब आप नीचे उतारे गए तो उस मालिक ने आपसे कहा था कि ये देखो शब्दों की ये डोर, ये शब्दों की धार को मत छोड़ना, इसको तुम पकड़े रहोगे तो मेरे पास चले आओगे। लेकिन नीचे आकर के आपको कर्मों के जाल और जंजाल में लपेट दिया गया और आप उस रहमत की, उस रहमान की रहमत भूल गए। आपको उसका इल्म न रहा, सुधी न रही, बोध न रहा और धीरे धीरे आपसे आपका परिचय खो गया। तो आप फंस गए, फंस गए। तो ये अंतकरण आपको बरगलाता है, संदेह पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है और कहता है देखो तुम कितने परेशान हो, तुमने बार बार कहा कि दया कर दीजिए, मेहर कर दीजिए, देखो क्या भला हुआ तुम्हारा, इतने तो तुम दुखी हो, तुम्हारी नौकरी चली गई, तनख्वाह कट गई, ये देखो महामारी फैल गई, घर में बैठे हो, तुमको गुरु ने क्या दिया। ये अंतकरण आपको चेतावनी देता है कि चलो इस बार भूल हो गई,
अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो पात्र ही उल्टा है, पात्र ही आपका उल्टा है। जिसका पात्र सीधा होता है उसको तो गर्म हवा भी नहीं लगती। आप सब इतने सारे लोग आज इतने महीने हो गए बैठे बैठे, आप बताओ कि क्या आपको कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ? हाँ, जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, ये तो होगा। जब आप पैदा हुए और जब आप बच्चे थे तो जो आपका जीवन था ये वैसा नहीं है जैसा अब है, और अब जैसा है वैसे आप नहीं रहोगे। जब बच्चे थे तो बड़े नाजुक थे, आपके बाल बड़े अच्छे थे और पूरे थे, घने थे, आपकी त्वचा बड़ी स्निग्ध थी, सब कुछ बड़ा आनंद। लेकिन अब आपके बाल भी सफ़ेद होने लगे, बहुतों के तो उड़ने लगे, बुढ़ापा आने लगा, और एक दिन ऐसा भी होगा जब आप नीचे भूमि पर लेटे रहोगे और आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, आपकी सूरत को आपकी देह से नोच के निकाल दिया जाएगा। ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, एक दिन इसे खाली करना पड़ेगा। तो जो अंतकरण से छूट गया वही सदगुरु का हाथ पकड़ सकता है। जो इस जगत से थक गया वही गुरु का हाथ थाम सकता है। लेकिन जिसकी लिप्सा, लालसा और वासनाएं इस विषय, इस जड़ से जुड़ी हुई है, वो तो फंसा रहेगा। तो जब कभी एक काल के दूतों का फैलाव ज़्यादा हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर दो। आपके भीतर ही गुरु विराजमान है, उस तीजे तिल में, जिसको दसवीं गली कहते हैं, जिसको मधुबन कहते हैं, कुंज गली कहते हैं, वहीं पर। ये बाहर से तो आप पहचान नहीं पाओगे, बाहर से तो आप फंस जाओगे। गुरु को पहचानना है तो बिना अपने भीतर उतरे पहचान नहीं सकोगे। जब उसको ध्यान करोगे, उसका ध्यान करोगे, उसको ध्याओगे, उसको अपने अंदर गूंथोगे, कशिश के साथ, तड़प के साथ उसको पुकारोगे, तो ये जो शब्दों की डोर, ये जो धारा उतरी राधा बन करके, आप उसको थाम लोगे तो गुरु से आपका परिचय हो जाएगा, आपको गुरु का पता चल जाए। और जब आपको गुरु का पता चलेगा तो आप कांप उठोगे, शेर उठोगे। आप हफ्तों, महीनों, सालों आप खुद को माफ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरु को अपने भीतर सुमिरना बहुत जरूरी है। आज की गुरु पूर्णिमा इस बरस की मुख्य बिंदु, कि अपने भीतर अपनी इस दृष्टि से गुरु को अपने भीतर उतारो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले,
बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल में ज्यों त्यों अटो मर्दानगी करना। जगत के जाल में ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी यमन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी, करो मत और कुछ जतना। मान लो बात यह मेरी, और कुछ करो मत जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। ये जो नाम का रंग है, ये नाम यानी शब्द, इसी को कभी नाद कहा,
कभी अलग अलग नामों से पुकारा, किसी को सबत कहा, किसी को अलग अलग कालखंड में अलग अलग उपमाओं से पुकारा गया। ये नाम क्या है, ये शब्द क्या है, ये शब्द आपका मूल है, लेकिन इसे तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आपको अपना पता न चल जाए। आप जब अंतर में उतरोगे और देखोगे तो सब जान जाओगे। तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास दो प्रकार की दृष्टि है, बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि। ये जो बाहर आपको जो आंखें, ये दो आंखें, और गुरु महाराज ने बताया कि एक और आंख आपके पास है, ये यहां पर, ये तीसरी आंख, ये दिव्य दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु। इसी तरह से ये जो दो कान बाहर के और एक कान अंदर के, ये जो दो नाक बाहर की, एक नाक अंदर की। तो बाहर की दो आंखें और अंदर की एक आंख, कुल मिलाकर तीन। बाहर के दो कान और अंदर के एक कान, दोनों मिला के तीन। और बाहर की दो नाकें, यानी ये दो नासिका, और अंतर की भी एक। ये जो बाहरी इंद्रियां हैं, इनकी क्षमता सीमित है। ये जो बाहरी दृष्टि है आपकी, इसकी ताकत, इसकी शक्ति सीमित है। पर जो आपकी अंतर्दृष्टि है वो असीमित है, इसीलिए इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये जो आपकी अंतर्दृष्टि है, यही आपकी असली आंख है, यही आपकी वास्तविक आंख है। यही इसीलिए जब ये अंदर की आंख जग जाती है तो इसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। कमाल की बात यह है कि आपको इसका बोध ही नहीं, इसका पता ही नहीं है। ये दिव्य दृष्टि, यानी आपकी आत्मा की दृष्टि, अनादिकाल से आपके कर्मों के कारण, आपके कर्मों के कीचड़ से ये बंद हो गई। इसलिए जब आप आंख बंद करते हो तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है। ये अंधेरा क्या है? ये अंधेरा आपके कर्मों का। जब आप अभ्यास करोगे तो अंदर धीरे धीरे ये अंधेरा हल्का हो जाएगा। अभी भी कभी कभी बैठते हो तो एक लहर सी दिखाई पड़ती है, गुरु की मौज हो जाती है तो एक लहर, तो आपको हल्का प्रकाश सा महसूस होता है। लेकिन फिर कर्मों का जखीरा इतना, और उसमें से ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये आपको गफलत में ढकेल देते हैं, और आपको संदेह हो जाता है, आप भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी इस आँख को खोल लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो इस दृष्टि को खोल लेना, इसी को कुछ महापुरुषों ने कहा सन्यासी होना। अगर सन्यासी बन जाओ तो सब जान जाओ। सन्यास यानी सन्यास, इसका अर्थ घर परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ के भागने वाला नहीं। इसका असली अर्थ है सत्य को अपने भीतर न्यास करने वाला, यानी पा लेने वाला, जो स्थापित है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसका वजूद है, जो है, उस सत्य को पा लेना, ये संन्यास, या पा लेने की दिशा में बढ़ना। लेकिन गृहस्थ का जो अर्थ आपने आपको बताया गया बंद आंख वाले गुरुओं ने, कि पत्नी, परिवार, बच्चा, ये बहुत गलत अवधारणा।
गृहस्थ का अर्थ होता है गृह यानी स्थूल यानी जड़, और अस्थ यानी निवास करने वाला, इसमें फंसा रहने वाला। तो पत्नी बच्चों और परिवार से गृहस्थ का कुछ लेना देना नहीं। एक जो घर छोड़ के भागा है वो भी कोई कामना में फंस गया, किसी चक्कर में फंस गया, बड़े बड़े मठ में, आश्रम में, बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े नाम में, ऐसे भी होते हैं जो फंस जाते हैं, ये भी गृहस्थ थी। लेकिन एक व्यक्ति जो परिवार में रह रहा, परिवार की सेवा कर रहा, बच्चों की सेवा कर रहा, माँ बाप की सेवा कर रहा, पत्नी की सेवा कर रहा, उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा, वो सन्यासी भी हो सकता है, या हो सकता है कि वही सच्चा सन्यासी हो। इसलिए हुजूर ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग में जो सच्चा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम। तो आपके लिए आप कौन हो, कभी सो विचार किया, आपको पता नहीं। आपके लिए आपका क्या महत्व है? जो लोग आपके बारे में सोचते हैं या जो आप स्वयं के बारे में सोचते हैं? आपका धर्म, आपकी जाति, आपका पद, आपकी पदवी, आपकी संपत्ति, आपके गहने, ये आप हो या आप कुछ और? जब तक आप इसका अंतर में उतर के अनुभव नहीं करोगे, समझ नहीं पाओगे कि आप खुद को किस प्रकार से महसूस करते हो। अरे भाई, इस बात का अंदाजा कैसे लगाते हो, खुद चक्कर के या मैं चख लूं? नहीं, खुद चक्कर के, स्वयं के अनुभव से, दूसरों के अनुभव से नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ हो गए हो, आप किसी पद पे पहुंच गए हो, आप बड़े राजा बन गए हो, तो ये आपके होने का एहसास है या उस पद का एहसास है? अगर आपने बहुत कमाई कर ली हो, बहुत माल जमा कर लिया हो, खुद को कुछ और समझ लिया हो, कुछ विशेष समझ लिया हो, तो ये आपके खास होने का ख्याल है या आपकी संपत्ति का, या उस पद का, आपकी डिग्री का, या आपकी जाति का? अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वो सब बाहरी है, और उसमें आपको अपने होने का कोई एहसास ही नहीं, कोई एहसास नहीं। अगर आपसे या आपकी बाहरी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत, नाम, धन, दौलत, ये सब छीन लिया जाए तो आपको ऐसा एहसास होगा कि लुट गए आप। जिनको घर नहीं मिलता वो रोते हैं और कहते हैं कि मेरा घर बनवा दीजिए। जिनकी शादी नहीं होती या जिनके भाई बहनों की, तो उनके लिए दया का पैमाना यही है कि उनकी शादी करा दो। अरे ये तो किसी नाव को पकड़ते या जो शादी कराते हैं ब्राह्मण को पकड़ते या आपस में बैठते वो शादी करवा देता। पर आपकी सोच जरा बहुत छोटी है। आपको दया मिल रही तो ये पात्र को आपने उल्टा कर दिया। इस पात्र को सीधा करो और अपने भीतर उतरो और देख लो, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। ये जो आज का महापर्व है इसका लाभ ले लो, इसका लाभ ले लो। आपने थोड़ा अभ्यास कर लिया तो मालिक की मौज आज ही हो जाएगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखो, पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन न आसमान, न पूरब न पश्चिम, न उत्तर न दक्षिण, न मराठी न गुजराती न हिंदी न उर्दू न अंग्रेजी न उड़िया न बांग्ला, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अनामी, एक अनामी,
सिर्फ हमारे गुरु महाराज और उनकी मौज उनके साथ। तो मौज को मूड मत समझना, मौज को इच्छा मत समझना। अगर आपको मौज की सही परिभाषा जाननी है तो आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। अपने भीतर उतरे बिना आप समझ नहीं सकते। तो कल आपको बताया गया कि उस अनामी की मौत से एक धार उठी, एक धार भई और अगम अलख और सत वजूद में आए और बहुत लंबा समय बीत गया। बहुत लंबा समय, बहुत बड़ा कालखंड जब बीत गया, बहुत समय के बाद उस सत्य की पहुंच हुई और उसने 16 पुत्र प्रकट हुए, 16 पुत्र यानी 16 निर्गुण। और उस मौज ने भौर गुफा से महासुन और सुन तक की रचना कर दी। बहुत गौर से सुनना, कल जो बात छूट गई थी वही बात फिर से आपको बता रहा कि बहुत समय के बाद उस सत्य की मौज हुई। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक अनामी, उनकी मौज हुई और अगम अलख और सत्य ये वजूद में आए। अनामी में कुछ भी नहीं, सिर्फ अनामी, एक अनामी, वहां शब्द भी प्रकट नहीं था। लेकिन अगम और अलख में लोग तो हैं, वहां शब्द है लेकिन रचना नहीं है। ये बहुत अलग सी बात है, ये जब अभ्यास करोगे तब इसका अर्थ समझ पाओगे। तो बहुत समय तक बस यही अगम अलख और सत्य, ये सचखंड। और बाद में, बहुत बाद में, बहुत बाद में सचखंड के मालिक की मौज हुई और फिर भौर गुफा महासुन और सुन तक की रचना हुई और 16 निर्गुण प्रकट हुए और फिर रुक गया। और उसके बहुत लंबे अंतराल के बाद से सुन से, सत्य से नहीं, सुन से पुनः शब्द प्रकट हुआ, वही शब्द। और इसने त्रिकुटी से लेकर सहजल तक की रचना कर दी। और त्रिकुटी से, त्रिकुटी यानी गगन, महागगन और गुरुत्वपद, ये त्रिकुटी के तीन केंद्र थे इसलिए इसको त्रिकुटी कहते हैं। और नीचे सहजदल, तो सहजदल से अनहद नाद प्रकट हुआ और तीन लोक रचे गए। ये तीनों लोक रचे गए और सत्य ने सभी पुत्रों पर मेहरता फरमाई और उन्हें अलग अलग मकाम यानी लोक प्रदान कर दिया। तो उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो नीचे के जो मालिक, जो सहज दल पर विराजमान, उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा यानी सुरतें। तो एक रूहों का खजाना, आत्माओं का एक खजाना तब उतारा गया, एक छोटा सा खजाना, और इसमें आप उतारे गए। आप तब से उतरे हुए, तब से आप नीचे यहां फंसे हुए। तो जब आपको उतारा गया तो मालिक ने कहा देखो इन्होंने मुझे, मुझसे आपको मांगा और मैं ये दे रहा हूं, लेकिन ये शब्दों की डोर, ये शब्द की डोर मत छोड़ना, इसको थामे रहना। अगर तुम इसको थामे रहोगे तो मुझ पे मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। तो ये सारे धनी वहां पर विराजमान, तो ये जो धनियों के अपने अपने लोक हैं ये भी इन्होंने नहीं बनाए, इन्होंने तो ये भी नहीं बनाए। ये सारे मसाले उस मालिक ने वो नीचे उतारे, ये जो भी बाहर बारिश हो रही, ये नीचे मिट्टी है, ये सारे तत्व, इसके ऊपर के तत्व, उसके ऊपर के तत्व, ये जितने भी तत्व आप देखते, ये सब कुछ, सारे मसाले ऊपर से उतारे गए। ऊपर से धनियों ने
यानी मालिकों ने अलग अलग खंड के अलग अलग मकाम के, इन्होंने तो सिर्फ स्वीकार कर लिया और उसमें काबिज हो गए, काबिज हो गए। वो भौर गुफा से सहजदल तक अलग अलग मकाम पे विराज गए। इन दोनों के मध्य यानी भौर गुफा और सहजदल के मध्य महासुन, सुन, मानसरोवर, दसवां द्वार, गुरुत्वपद, महागगन, गगन, मायालोक और नभ के संग और भी कई मकाम हैं। ये जब आप अभ्यास करोगे तब सब समझ जाओगे। तो सहज दल कवल, ये जो नीचे के मालिक है जिनको ईश्वर कहते हैं, पूरा जगत इनको ही मालिक मानता है और ये मालिक है यहाँ के नीचे। ये नीचे इनका नियंत्रण है। इनको ही काल कहते हैं, इनको ही समय कहते हैं, इनको ही वक्त कहते हैं और यही सन ऑफ गॉड, इसको संक्षेप में करके गॉड कर दिया गया। असल में जो गॉड था वो तो सत, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म और सत एक ही, पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म एक नहीं है। पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म एक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म और सत्य एक है। तो वो जो गॉड तो वो था, लेकिन बाद में गॉड इनको कह दिया गया। तो ये इनको बाइबल में सन ऑफ गॉड कहा गया। तो इनके अधीन आप हो, आप इनके नियंत्रण में। इन्होंने जो इस दुनिया के ईश्वर हैं, इस दुनिया के जो मालिक हैं, इन्होंने देखा कि आप शब्दों की डोर से बंधे हुए और लौट के आप अपने घर लौट रहे थे। तो इन्होंने पहले क्या किया कि पहले इन्होंने पहले ही कर दिया कि स्वयं से अर्धचेतना प्रकट की। अर्धचेतना, इन्हीं को आप शक्ति कहते हो, इन्हीं को आप शक्ति कहते हो और इनको ही आप देवी कहते हो, इन्हीं को आप अंबा कहते हो, इनको ही आप माता कहते हो और यही अविद्या माया, यही अविद्या माया। अविद्या माया के साथ इस जगत के ईश्वर ने तीन पुत्र प्रकट किए और यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाए। ये जो ईश्वर हैं, संतों ने उन्हें निहंग कहा। निहंग जो बाद में निरंजन हो गया, निहंग यानी निरंजन और इनका लोक, ये सहजदल कवल जिसे आठ पालंग कहा गया, सेत सुन भी कहा गया, पहला सुन, नव्यादीप कहा गया। हालांकि इसमें बहुत फर्क है, इसको समझने के लिए जब आप अभ्यास करोगे तब आप समझ पाओगे। तो सत्व के साथ उसकी मौत से ये जो सुरतों के भंडार की लहर उठी, ये जो सुरतें, अब ऊपर चले जाओ जहां से शुरू किया था, यगम मलक और सत्य। तो ये जो सचखंड का मालिक है, इसकी मौत से सुरतों के भंडार की लहर उठी और आप उसमें से। ये जो सुरतों का भंडार है, यही राधा है और यही सीता है। तो ये जब आप नीचे नहीं उतारे गए थे तो आप अपने स्वामी यानी राधा स्वामी के साथ मस्त थे। आज भी जो सुरतें ऊपर हैं वो अपने स्वामी के साथ, उस राधा स्वामी के साथ आनंद से। तो राधाओं का जो परिचय
ये महाशून्य से ऊपर गुप्त था, तो शब्दों की डोर से आप नीचे उतारे गए। लेकिन इसका पता आपको चलेगा कैसे? जब तक आप तीसरे तिल, यहाँ देखो ये दूसरा दरवाज़ा है, और जब इसके आगे जब चलते हो तो तीसरा दरवाज़ा, जब नियमित अभ्यास करते हो तो जो आपको एक कभी बिंदु सा दिखता है, कभी धब्बा सा काला सा, बस उसी के भीतर से आपको अंदर जाना है, और जब उसके भीतर चले जाओगे तब आपको तीसरा दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ पर आपका गुरु आपको उस गुरु की पूर्णता का एहसास होगा। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे आपकी गुरु पूर्णिमा नहीं मनेगी, आप तब तक गुरु पूर्णिमा मना नहीं पाओगे। तो ये जो तीजा तिल है ये 15वीं सुंद, गुरु महाराज जब पिछली देह में थे तो उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ खोल के बताया। उन्होंने बताया कि सहज दल में 16वीं सुंद और 17वीं सुंद, 10वें द्वार पर 18वीं सुंद, महासुंद में 19वीं सुंद, भौर गुफा में 20वीं सुंद, भौर गुफा के परे, और 21वीं सुंद आपका धाम सत, और 22वीं सुंद अलग अगम नहीं, 22वीं सुंद अनामी। तो ये जब अंदर दीप जलेगा तब आप सब समझ जाओगे ये जो आज का महापर्व है ये अपने भीतर दीप जलाने का। इसी को पलटू साहब ने कहा कि पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही बार, जला दिया यानी पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही बार, और दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, दीपक बारा नाम का। तो ये जब तक आपके भीतर ये नाम का दीपक नहीं जलेगा तब तक आप समझ नहीं सकते। तो देखो ये महापर्व आज दो सत्संग और होंगे। आज आप ऐसे तो लॉकडाउन हो गया तो उस रहमान की रहमत हो गई, उस मौला की, उस मालिक की, उस प्रभु की आपके ऊपर बहुत कृपा। आराम से बैठो, बहुत बाहर निकलने की ज़रूरत ना हो तो मत निकलना, आपके शहर में देश में जहाँ जैसी व्यवस्था हो तो आप अपने भीतर बैठो, और आज पूरा दिन किश्तों में टुकड़ों टुकड़ों में आप अपने भीतर जाने में लगाओ। देखो आज पूर्णिमा तो बहुत सी जगहों पे आज हल्का चंद्रग्रहण भी है, ये भारत में नहीं है, लेकिन उसका असर तो देखो, ग्रहण का मतलब कोई बुरा समय नहीं, बुरा साया नहीं, ये जो ग्रहण है ये तो खगोलीय घटना है, लेकिन दरअसल इसके साथ कुछ और होता है, कुछ और व्यवस्था जिसका असर आपके ऊपर पड़ता है। जैसे पूर्णिमा में देखो, आज पूर्णिमा और आज बम्बई में समंदर पे देखोगे तो जोर का पानी ऊपर आएगा, तो ये ज्वार और भाटा, ये पानी ऊपर आता है फिर नीचे, तो ये पानी खाली समंदर में नहीं आता, हर पानी में आता, लेकिन समंदर में चूंकि बहुत ज़्यादा है इसे दिखाई पड़ता है, आपकी देह में भी बहुत बड़ा हिस्सा पानी का है, तो ये ज्वार भाटा इसके भीतर भी आता है। तो आज अगर आप अभ्यास करोगे पूरी तड़प लेकर के, कशिश के साथ, तो आज बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये गुरु पूर्णिमा, साल में 12 पूर्णिमा आती है, 12 पूर्णिमा, ये आज की पूर्णिमा, इन सब पूर्णिमा में और सारे पर्वों में श्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके परिचय की दिशा में आपका जो एक कदम उठता है इसके ये 100 कदम बना देती है। तो थोड़ी कोशिश करोगे, थोड़ा प्रयास करोगे तो आपको अपना परिचय हो जाएगा। देखो गुरु केवल एक है, तो गुरु केवल गुरु महाराज, वही गुरु थे
वही गुरु हैं और वही गुरु रहेंगे। मैं तो सिर्फ एक जर्रा, उनके चरणों की एक रज। अरे अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि आपको बताया कि ब्रह्म का एक कण, ब्रह्म का जो एक कण है उसमें नीचे पूरे सहस्रल कवल और उसके मालिक और पूरी नीचे की पूरी रचना सब उस कण में समा जाए। तो मैं अपने नामी का एक कण, अपने नामी का एक कण। तो आप कौन हो, मैं कौन हूं, अगर इसका परिचय करना है तो आज का दिन बड़ा उत्तम है, आज का दिन सबसे मुफीद है। तो अपने भीतर उतरो और खुद को जान लो और पहचान लो, तो आपको अपना भी बोध हो जाए, मेरी भी जानकारी हो जाए और गुरु महाराज का भी पता चल जाए। देखो एक बात समझ लो टंके की चोट पर कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। तो किसी भ्रम में मत पड़ना, उनकी तरह कोई रूप रंग ये दाढ़ी बाल देख के ये भ्रमित मत होना। अपने भीतर उतरना और उसकी निरख परख करना, सब समझ जाओगे। संदेह मत करना और किसी की निंदा मत करो। आपको अगर कहीं पे भ्रम हो जाए और भ्रम टूट जाए और बोध हो जाए तो किसी की निंदा मत करो, क्योंकि अगर किसी ने गलत किया, कोई झूठा है, तो अपने कर्मों को बोझ जाने। आप सच्चे हो, आपको तो आपका तो काम हो जाएगा। तो देखो उस गुरु की दया आपके ऊपर बहुत है। आप में से कुछ लोग समझ पाते हो, कुछ लोग समझ नहीं पाते, दुनिया के चक्करों से परेशान हो जाते हो और आप गुहार लगाते हो, दुनिया की चीज़ें मांगते हो। अरे वो तो आपको ऐसा ही मिल जाएगी, ये तो कर्मों के अधीन, तो आपसे कर्म करा लिए जाते हैं। ये जो कर्मों से जो आप सेवा करते हो, जो भी सेवा ये आपके कर्म, तो वो तो करा लिए जाते हैं। तो जैसे आप कर्म जितना बीज बोगे वो फल आपको मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे देखो खेत में मैं खड़ा हूँ सुबह से शाम तक, कुछ नहीं हुआ। तो आपने बीज नहीं डाला, आप बीज डाल के देखो, उसकी मौज तो आपके ऊपर बरसने के लिए आतुर है। आप बीज बाल डाल के देखो, कुछ ही पलों में अंकुरित हो जाए। तो ये जो दुनिया की बाहरी तकलीफें और बाहरी आनंद, ये तो आपके कर्मों के अधीन है। जो आपने कर्म किए उसको आप भोग रहे हैं। जो आपने पिछले कर्म, क्रियामान कर्म यानी जो आज के कर्म है, इससे संचित कर्म प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से संचित कर्म। ये जो क्रियामान कर्म है इसका न जाने कितना गुना, कई बार हजारों, कई बार लाखों, कई बार करोड़ों भी और कई बार अनंतों भी। इसलिए कर्मों के चयन में बहुत सजग रहो, किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो, अपने कर्मों की ओर देखो, दूसरा क्या करता है इस झांसे में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि नीचे आप कर्मों के नियम में बांधे गए हो। ये विधान कर्मों का है। और जिनको गुरु महाराज की तड़प है, तो देखो गुरु देह नहीं होता, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे आज बताने के लिए कहा कि अगर दे तो तड़प के पुकार, आज आप पुकारो अपने भीतर बैठ के, तो जितनी तड़प गहरी होगी आपको उनका एहसास और आभास हो जाएगा। अब आप आगे पूछते हो कि उनकी मौज कहाँ, वो कहाँ हैं, क्या हैं, ये तो उस वनामी की मौज है। उन्होंने जो कहा कि मैं चाहूँ तो 400 साल रह जाऊँ, सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने कम कहा, वो चाहें तो 400,000 साल रह जाएं या शुरू से लेकर आखिर तक रह जाएं, शुरू से लेकर के आखिर तक रह जाएं, वो तो अनामी है, वो तो मुख्य स्रोत हैं। उनकी महिमा आज क्या गाऊं और क्या सुनाऊं, तो जो कुछ कहूं वो शब्द कम है।
बोलो जय गुरुदेव। तो आपसे 11 बजे भारतीय समय के अनुसार 11 बजे आपसे फिर आपके दर्शन होंगे, तब आपको कुछ और सुनाऊंगा। तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लें और आराम कर लें और अभ्यास कर लें, थोड़ा हल्का खाएं। तो पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग आधा दिन खाते हैं, बहुत से लोग पूरे दिन नहीं खाते, तो ये आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना चुनाव। लेकिन शरीर को हल्का रखें, दुनिया की विषय वासनाओं को, कामनाओं को यहीं छोड़ दें आज, इनके चक्कर में ना आए। आग जब भी आप बैठें, भजन पे नहीं बैठे, ध्यान पे नहीं बैठे, सुमरन नहीं कर रहे, तो आँख को हल्के से खाली बैठे हो तो आँख मूंद लो, आँख बाहरी आँखों को विराम दे दो और दुनिया से कट जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ और खींचते चले जाओ। चलो, आप दुनिया की बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, किसी का इम्तहान है वो पास नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की और तकलीफें, तो चलो आज के दिन ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ। आज के दिन ये महसूस करना कि गुरु की आज गुरु पूर्णिमा के दिन कृपा हो रही, दया हो रही, मौज हो रही, तो मेरा ये काम हो जाएगा। जिसका इम्तहान, तो इम्तहान पास कर लेंगे, वो ये महसूस करें कि मैं इम्तहान पास कर लूँगा। जिसकी शादी नहीं हो रही, वो महसूस करें कि मेरा विवाह बहुत अच्छे घर में हो जाएगा। देखो, संदेह मत करना, उल्टा मत सोचना। अगर आप ये सोचोगे कि अरे मेरा विवाह कब होगा, कब तक होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये तो आपने गड़बड़ कर दी, ये तो आपने गलत बटन दबा दिया, अब तो नुकसान हो गया। अगर आप सोचोगे कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये गलत बटन दब गया, तो अब आप फेल भी हो सकते। उसकी दया हो रही और पात्र आपने उल्टा कर दिया, तो पात्र को सीधा रखो, सकारात्मक रहना। आज पूरा दिन जितना हो सके दुनिया के प्रपंचों से कट के रहो, अलग रहो और अपने भीतर जाओ। 11 बजे फिर आपके दर्शन होंगे गुरु महाराज के चरणों में। कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ ऊपर के समझदनियों और अधिकारियों को, प्रणाम करते हुए आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान विराजमान आपके सुरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा को प्रणाम करते हैं।